ये लो भाई, ये आई है एक वीडियो सामने। अच्छा, बड़े दिनों से ना मैं सिर्फ ये देख पा रही थी कि फमान और अदिति की बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही है। लोग अदिति को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, फमान को भी ट्रोल कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रोलिंग चल किस बात पे रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं पिछले एक महीने से बिल्कुल गायब थी, अभी दो दिन से एक्टिव हुई हूँ। तो मुझे अभी अभी ये वीडियो मिली है। ये वीडियो अदिति के बर्थडे के दिन की है, और अदिति सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे खुले प्लेस पे कहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी नज़र आ रहा है, और वो अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हो तो वो अंगड़ाई ले रहे होते हो, उस टाइम की वीडियो है। और अदिति के बगल में एक ब्लैक कलर का कुछ तो पड़ा हुआ है। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो शर्ट है, टी शर्ट है, टॉप है, फ्रॉक है, क्या है, लेकिन कुछ तो ब्लैक कलर का दिख रहा है। वहीं आपको दूसरी तरफ एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें कि ऐसी ही ग्रीनरी है, और वहाँ पे फमान और अदिति नज़र आ रहे हैं, और फमान ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो वीडियो अदिति की है और ये जो शूट कर रहा है वो फमान है, और अदिति और फमान दोनों साथ में थे, और ये रिवील नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों साथ में हैं, और इसी वजह से फैंस उनको, फैंस नहीं मैं कहूँगी, जो लोग हैं वो उनको ट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप साथ में हो तो भी आप बता दो, अगर नहीं हो तो भी बता दो। मतलब डर किस बात का है, कहने का ये मतलब है सीधा सा कि डर किस बात का है, आप बता दो, अगर साथ में हो तो लोग क्या ही कर लेंगे, लोग क्या ही कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। आपकी मर्जी है, आपकी यारी है, दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, कुछ भी है, वो किसी के भी साथ हो, लोग का बस यही कहना है कि अगर आपको बताना ही है तो ऐसे आप छुप छुप के चीज़ें अगर कर रहे हो तो वो मत करो, इंटरनेट पे लोगों को बता दो ताकि लोगों को पता हो कि आप किसी के साथ हो। अदरवाइज लोग आपको कई बारी फमान के लिए है ये कि कई बारी सुमुल के साथ जोड़ते हैं, कई बारी अदिति के साथ जोड़ते हैं, कई बारी जिसके साथ भी फमान काम कर रहे होते हैं उनके साथ जोड़ते हैं, लेकिन इस पे फमान और अदिति का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, और दोनों बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रोलिंग भर भर के हो रही है। पहले तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये ट्रोलिंग है किस बात की, बाद में जब मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखी है तो मुझे समझ में आया है कि अच्छा, इस वीडियो की वजह से ये ट्रोलिंग चल रही है। तो मेरा भी यही कहना है कि भैया देखो, ये उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, उनकी लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी फमान और अदिति अगर साथ में हैं तो वो बता सकते हैं बेझिझक आके लोगों को, और लोग देखो, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ, एक क्लैरिटी रहेगी कि फमान कमिटेड है किसी के साथ, अदरवाइज लोगों को लगता है कि फमान सिंगल है। चलिए, फिलहाल आप बताइएगा क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, या फिर आपकी क्या है राय इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।